तीन प्रदोष या तीन शिवरात्रि? कितनी प्रदोष? तीन या तीन शिवरात्रि? संभेश्वर महादेव का नाम, सात कनेर के पुष्प, कितने? सात कनेर मालूम है? ये रोड पर जो एक बेलपत्र, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो सात कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। दो तीन प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम्हारे से उठ जाओ, उसके बाद में देवदत्त महादेव के पास सात कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री पांच बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री तीन प्रदोष, चार प्रदोष, पांच प्रदोष, दो प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर कर लो, एक प्रयास अपने जिंदगी में जरूर कर। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी और ये शिवलिंग और ऊपर भगवान शिव की पांच बेटियां जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव। तीन प्रदोष या तीन शिवरात्रि? कितनी प्रदोष? तीन या तीन शिवरात्रि? मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत करो, अच्छा पढ़ो और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए तीन स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा शमी के पत्र को देवदिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प, एक पुष्प होता है आंख का सफेद और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने, जम के तो बोलो जरा, करें ना। एक सफेद होता है एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवदिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन नीलापन होता है वो शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय अशोक सुंदरी जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है उस पांच पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो मेहनत के साथ में बाबा देवदिदेव महादेव को तीन प्रदोष या तीन शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर बाबा से प्रार्थना कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो जिस कमरे में आप रहते हो वहां उस बेलपत्र को तीनों प्रदोष की या तीनों शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए
जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये तीनों बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे चार गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पांच बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी पांचों लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर, जया, विषहरा, शामली बारी, दाऊतली, देव, पांचों बेटियों का नाम लेकर पांच बेलपत्र समर्पित कर, कर हाथ में दो लोटा जल लेकर शिवजी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए, और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर पांचों बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। ढाई महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं ढाई महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही। जी हूँ, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो, और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर, कौन सा नाम, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुल। बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिवपुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी, अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है, ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिवजी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये दो बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने
इस ओर जल पानी बहरा इस ओर रखी, यहां पर भी पांच बार जल उसी कलश में से, पांच बार जल यहां पर और उसी कलश में से पांच बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखिए समर्पित करिए वहां पर। ऐसे पांच बार इधर और पांच बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफ है जो हमें आ रही है बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही है हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, बारह महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कह रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ी है, भरोसा पक्का है, यहाँ जो पुराण वर्णन कर रही, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, ये जो वर्णन कर रही है वो व्याख्यान कर रही है कि शमी पत्र की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को 41, 31, 21, 11, इसमें 3, 5, 7, 9 का भाव नहीं है, इसमें 3, 5, 9, 7 का भाव नहीं, इसमें सीधे 11, 21, 31, 41, 51 ये पत्तियों को लेकर हस्त कमल की मध्यस्थ भाग में रखकर, हस्त कमल की मध्यस्थ भाग में उसको रखकर, दूसरा हस्त कमल हाथ पर रखकर भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण करकर, भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण करकर भगवान शिव को जो शमी पत्र समर्पित कर देता है और उसी हस्त कमल को समर्पित करकर अपने हृदय से उस हाथ को वापस लगा लेता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण